गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेढ़ी से संबंधित क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन में ऐसा 1 से लेकर के 15 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 15 क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, जिसमें से हम 4 क्वेश्चन को लिख के लाए हैं और 4 क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे वीडियो को, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ये जो दिया हुआ है इसमें देखना कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, अगर इसमें से कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे, हल यहां से होगा। 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, 4 का 1 ना, 4 का 1 है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये कहा जा रहा है कि ये क्या एपी में है। अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एपी में है, इसको चेक करने के लिए हम सार्वंतर को चेक करते हैं। ये क्या A1, A2, A3, A4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये है पद। तो हम चेक करेंगे, सार्वंतर चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। तो D बराबर क्या होता है, A2 घटा A1 होता है, यानी क्या करेंगे, A2 माने 4 में से घटाएंगे कितना 2, तो कितना आया आपका, आया कितना 2। फिर देखिए, फिर हम D चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे D, अब क्या करेंगे A3 में से, इसमें से इसको घटा के देखेंगे, A3 में से A2 को घटा के देखेंगे कितना कितना आता है। तो A3 कितना है 8, अब माइनस A2 कितना है, A2 आपका 4 है, तो 4, तो कितना आया यहाँ पर 4 आया। अब देखिए एक D का मान निकला आपको कितना 2, और एक D का मान निकला आपका 4, जो कि समान है ही नहीं, और सार्वंतर को तो समान होना चाहिए एपी में होने के लिए। तो ये क्या हो गया, लिख सकते हैं चूँकि A2 घटा A1 बराबर नहीं है किसके, A3 घटा A2 के, अतः लिखेंगे, अतः 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, यह एपी नहीं बनाती है, एपी नहीं बनाती है, ये एपी बनाती ही नहीं है, तो अगले पद लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम दूसरा को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 4 का 2, पहले लिख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ, 2, 5/2, 3, 7/2, ... ये क्वेश्चन 4 का 2 है, और इसको हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो बस वही A1, A2, A3 और A4 सार्वंतर को चेक करना है पहले। तो D बराबर निकाल लेंगे, क्या होगा, A2 घटा A1, तो A2 कितना, A2 कितना 5/2 में से घटा लेंगे कितना 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 2 लग LCM होगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 2 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, और यहाँ से कितना आएगा 1 2 2, 2 2 4, ये तो भिन्न का जोड़ है, ये आना चाहिए स्टूडेंट लोगों को। तो कितना निकला, 1/2 निकला, एक का मान चेक किए तो 1/2 निकला। फिर डी निकाल के देखते हैं,
अब क्या करते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं, तो A3 कितना है, देखिए A3 3 है ना, 3 माइनस कितना, A2 कितना, 5/2, 5/2, समझने के लिए आप नीचे में 1 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो LCM हो गया, 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 = 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, फिर भी आपका आया 1/2, देखिए एक बार, फिर भी आया आपका 1/2। इस सवाल को ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं हम, फिर A3 ना A4 से कर लेते हैं, D बराबर लिख लेते हैं, क्या चीज़, A4 ना, A4 में से घटा के देखते A3, तो A4 कितना, A4 देखिए, A4 7/2, चलिए 7/2 लिख लिए, -3, समझने के लिए 1 लिख सकते हैं आप नीचे में, तो कितना होगा, 2 लघुत्तम हो गया, तो 7 माइनस कितना हो गया, 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी देखिए यहाँ भी आपका क्या हो गया, 1/2 आया, नहीं, D बराबर A2 घटा A1 किए तो 1/2 आया, फिर A3 घटा A2 किए तो भी 1/2 आया, फिर A4 घटा A3 किए तो भी 1/2 आया, तो क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे D का मान समान है, क्या लिखेंगे, D का यहाँ से लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है, समान है, डी का मान क्या है, चूंकि डी का मान समान है, अतः डी का मान समान है, जिसमें डी बराबर 1/2 है, क्योंकि सार्वंतर भी हमको निकालना है, तो 1/2 हो गया आपका सार्वंतर, क्योंकि D का मान समान है, जिसमें D बराबर 1/2 है, अतः यह AP में है, ये जो संख्याओं की जो सूची दिया हुआ है वह AP में है। तो अगला 3 पद निकालना हमको है, अगले 3 पद, क्या वो पद दे दिया, कितना पद दे दिया गया, 1, 2, 3, 4 पद दे दिया, तो 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, और 7वां पद निकालना है, तो अगला 3 पद क्या होगा, अगले 3 पद को हो जाएगा आपको अगले 3 पद मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो 5वां पद निकालना है, A5 बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम 4था पद को लिखेंगे 7/2, और जोड़ डी कितना निकाले, 1/2, ठीक है ना, 7/2 मतलब क्या हो गया, 3.5 हो गया, और 1/2 मतलब क्या हो गया, आधा, 3.5 और आधा, ऐसे जोड़ सकते हैं आप, लेकिन चलिए कर लेते हैं, हम 2 कर लेते हैं, 7 जोड़ कितना, 1 बराबर कितना हो गया, 8/2 बराबर का 4, यानी A5 निकल गया 4, ठीक है A5। अब हमको कितना निकालना है, यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में स्पेस की वजह से A5 निकाल ली, इसके बाद यहाँ से आ जाना है, ठीक है, 2 से डिनोट कर देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, A5 निकाल लिए, अब हम निकालेंगे A6 निकालेंगे, A6 बराबर कितना हो जाएगा, A6
A6, तो सबसे पहले तो हम A5 को लिखेंगे, 4 में जोड़ लेंगे, कितना 1/2 जोड़ेंगे, तो इसका LCM कर लेंगे वैसे ही 2, यहाँ पर नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी क्या 9/2 आया। तो एक निकला 4, एक निकला 9/2, और एक और निकालना है A7, तो क्या हो जाएगा A7 में प्लस 6 वाला पद लिखेंगे N/2 और जोड़ कितना, जोड़ 1/2, तब ना A7 होगा। तो इसका भी देखिए आप, दो LCM हो जाएगा तो कितना 9 + 1 बराबर का हो जाएगा 10/2 बराबर का 5 आ गया। तो एक मान निकला आपको, अगला तीन पद में निकला 4, एक निकला आपका 9/2 और एक निकला 5, ये आपका तीनों का तीनों आंसर हो गया। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।